हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो आपके बेसिकली रिलेटेड है आपके एसएससी जीडी एग्जाम से। जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, इसका एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा, एग्जाम प्रोसेस क्या है, इसकी सिलेबस क्या है और कैसे आप इसके जो इम्पोर्टेंट बुक्स है वो आप परचेज कर सकते हैं, तो उसी के बारे में आज करेंगे हम इस वीडियो में चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यदि किसी भी एग्जाम को, गवर्नमेंट एग्जाम को, कॉम्पिटेटिव एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको यही नहीं पता कि उस पेपर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है तो आप उस एग्जाम को कैसे क्रैक करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट इस बारे में मिले थे कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, उन्होंने शायद नोटिफिकेशन को ध्यान से नहीं पढ़ा, पर मैं यहां पर आपकी चीज कंफर्म कर देता हूं। तो ये जो आपका एग्जाम है एसएससी जीडी का, ये आपके तीन फेज में यहां पर कंप्लीट होता है। एक है आपका फेज फर्स्ट, फेज टू एंड फेज थ्री। फेज फर्स्ट जो है आपका वो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम का है, जो कि रिटर्न एग्जाम है आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपका ये होता है। उसके बाद है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मीन पीएसटी और पीईटी मीन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ये जो टेस्ट है आपका, ये है आपका क्वालिफाइंग नेचर का। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वालिफाइंग नेचर का आपका पेपर होता है। इसमें कंडक्ट पास हुए कैंडिडेट को है जो गुजरना होता है मेडिकल टेस्ट से, तो यहां पर भी मेडिकल टेस्ट आपका रखा जाता है। इससे रिलेटेड भी कई पॉइंट वहां पर नोटिफिकेशन में दिए गए हैं कि आपके मेडिकल टेस्ट में आपसे क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, तो वो भी आप आराम से उसमें पढ़ सकते हैं। तो ये मैंने अभी बात की आपसे सिलेक्शन प्रोसेस की। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी बात करते हैं हम इसके रिटर्न एग्जाम पैटर्न की। तो यहाँ पर जो आपका टोटल पेपर है, रिटर्न एग्जाम है, वो बांटा गया है आपके चार पार्ट में। तो पहला जो पार्ट है वो है आपके जनरल इंटेलिजेंस का, सेकंड जो पार्ट है वो है आपके जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का, तीसरा जो पार्ट है वो है आपके एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, और चौथा जो पार्ट है वो है आपके इंग्लिश और हिंदी का। तो यहाँ पर जो आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 25-25 रखे गए हैं सभी पार्ट में, और ये जो सभी को जो मार्क्स है इनके वो भी 25-25 ही यहाँ पर रखे गए हैं। तो मतलब जो ओवरऑल पेपर है आपका, उसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और जो पेपर है आपका वो 100 नंबरों का होगा। अब ओवरऑल जो टाइम है आपको कंप्लीट पेपर कंप्लीट करने का, सॉल्व करने का, वो है 90 मिनट्स का, मींस डेढ़ घंटे का टाइम जो है आपको यहां पर मिलेगा। यहां पर देखिए जो क्वेश्चन है आपके कैरी करेगा एक मार्क, और जो आपको टोटल टाइम मैंने अभी बताया 90 मिनट मिलेगा। आपका जो पेपर का लेवल है, कंप्लीट पेपर लेवल है, ये आपका रहेगा 10वीं लेवल का। ठीक है ना, उसके बाद ये बैंगलोर लैंग्वेज में आएगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको अवेलेबल रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट यहां पर देखिए ये है कि जनरल और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को 35% मार्क्स करने होंगे कम से कम मार्क्स है ये सिलेक्शन के लिए, इतने तो आपको लाने ही होंगे। यदि आप एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 33% जो मार्क्स कम से कम गेन करने होंगे तभी आप सोच सकते हैं आगे जाने की। अब देखिए बाकी तो कट ऑफ पर डिपेंड करेगा कि कितनी कट ऑफ आगे जाती है, कितनी नहीं जाती है, पर ये नंबर वो है जो आपको मिनिमम तो लाने ही होंगे आपको आगे की आपकी जो संभावना है वो बरकरार रखने के लिए। अब देखिए अगर मैं लास्ट ईयर कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूं, मोटे मोटे तौर पर लेके चलता हूं यहां पर, तो देखिए इतने तो नंबर गए थे, तो मिनिमम 35 तो कट ऑफ गई ही गई थी। मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं मैं जनरल की, और मैक्सिमम स्टेट वाइज की बात करते हैं तो 80 और 82 भी कट ऑफ कहीं कहीं की गई हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, 35 भी गई थी, 80 भी गई थी, मुझे जैसा याद है कि 80 जो थी वो हरियाणा की साइड की आपकी कट ऑफ यहां की गई थी। ठीक है ना फ्रेंड्स, कहां की गई थी, हरियाणा की। ठीक है ना, अब आप ये लेके चलिए कट ऑफ तो हमेशा बढ़ती ही है, बाकी पेपर जब आएगा तभी हम इसकी कंप्लीट बता पाएंगे कि कट ऑफ जो है और जाने की उम्मीद क्या है। अभी शुरू से संभावना अगर हम लगा देते हैं, कईयों के कमेंट भी आते हैं कि सर इस साल जो है आपकी कट ऑफ जो एसएससी जीडी की वो कितनी जा सकती है। अब देखिए अगर आप यूट्यूबर से कोई पूछते हैं सवाल कि अगर सर ये कट ऑफ कितनी जाएगी 2018 में, तो देखिए कोई भी भगवान नहीं है यूट्यूब पे, तो वो आपको कैसे बताएंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। और वो बताते भी है व्यू के लिए कि मैं आपकी कट ऑफ जो है इतनी जाती है, इतनी जाएगी या इतनी जा सकती है, तो देखिए वो अगर आप उस लफड़े में पड़ते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पैटर्न की। तो यहां पर जो भी रिटर्न पास करके आएगा उसके जो मल्टीपल 10 होंगे कैंडिडेट वो यहां पर बुलाए जाएंगे, जो सीट है यहां पर उनके मल्टीपल 10 में कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। उसके बाद मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग अलग रेशो यहां पर दे रखा है हाइट का, रेस का। तो देखिए ये अगर आपकी हाइट इतनी है तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, इसके अलावा और जो छूट मिलती है जो अदर एरियाज है उनके लिए छूट मिलती है, वो चीजें बातें अलग हैं।
तो ये तो आपके ऊपर डिपेंडेड है कि आपको क्या है मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट की हाइट की होनी चाहिए। रेस जो है आपको यहाँ दे रखी है 5 किलोमीटर की 24 मिनट में, 1600 मीटर 8.5 मिनट में। अब देखिए ये आप कर सकते हैं नहीं कर सकते ये आपके ऊपर डिपेंडेड है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंडेड है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बेसिकली रिटन एग्जाम की। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट की, ठीक है फ्रेंड्स। तो रीजनिंग के देखिए सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर, एनालॉजी आपकी यहाँ पर आ जाती है, नॉन वर्बल सीरीज आपकी आती है, कोडिंग डिकोडिंग आपकी आती है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट आपके आ जाते हैं यहाँ पर, उसके अलावा विजुअलाइजेशन भी आपका आता है, सिमिलर एंड डिफरेंस भी आते हैं, फिगर काउंटिंग के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा SSC GD MTS में पूछे जाते हैं, दो या दो क्वेश्चन तो कम से कम इसके बनते ही है। तो ये आपकी जो बेसिक रीजनिंग है, अगर आप बात करें SSC लेवल की बात करें अगर रीजनिंग के लिए, तो ये जो है आपकी इजी होती है, क्या होती है फ्रेंड, इजी होती है, ठीक है ना। ये इसको आप हार्ड नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि जो रीजनिंग का टॉपिक है SSC के लिए वो इजी चैप्टर होता है, इसका ज्यादा हार्ड नहीं होता। नंबर गेन करने के लिए आपके पास ये बेस्ट ऑप्शन है। यदि आपकी मैथ अच्छी नहीं है, इंग्लिश अच्छी नहीं है, हिंदी अच्छी नहीं है, GK अच्छी नहीं है, पर ऐसे आपको बहुत कम स्टूडेंट मिलेंगे जिसकी रीजनिंग अच्छी नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं SSC की पर्पस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, किसी और के ऊपर मत लेके चलिए, बैंकिंग के अदर सेक्टर की, तो 25 क्वेश्चन आपके 25 मार्क्स के आपके यहाँ पर आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर मैं ओवरऑल लेके चलूं तो 20 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आप आराम से इजिली हर एक कैंडिडेट सॉल्व कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब 20 नंबर आप यहां से आराम से अचीव कर सकते हैं। ये ऐसे टॉपिक है, ये ऐसा पार्ट है SSC का। उसके बाद जो सेकंड पार्ट इसका है आपका, वो है आपके जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस है। तो देखिए यहाँ पर आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पोलाइट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च और एक दो चीज और रह गई है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं। यहीं पर साइंस भी आपकी जुड़ जाती है, क्योंकि साइंस भी यहाँ पर एक अच्छा पार्ट रोल प्ले करती है। अब देखिए यहाँ पर भी आपके जो है 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के आएंगे, ठीक है ना। अब ये देखिए ये वेरी करता है हर कैंडिडेट पे। अगर आपकी GK अच्छी है, इस पे नॉलेज अच्छी है, तो भी आप इसमें अच्छा अगर स्कोप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो वैकेंसी है आपके 10th लेवल बेस की है, पर अगर आप देखेंगे ना तो इसमें आपको BSc कैंडिडेट भी मिलेगा, BTech कैंडिडेट भी यहाँ पर मिलेगा और MBA भी मिल जाएगा यदि उम्र वो छूट ले सकता है तो उसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये आप ये बात देखिए कि 10वीं लेवल की परीक्षा है, 10वीं लेवल के बेस पर है, तो कट ऑफ भी तो ज्यादा जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपसे ऊंचे लेवल के कैंडिडेट भी बैठे हैं जो एग्जाम दे रहे हैं इसका। तो आपको अपनी जो तैयारी है वो अच्छी करनी होगी। देखिए फ्रेंड्स मेरा जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है अभी तक गवर्नमेंट एग्जाम में, क्योंकि मैं भी एक गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय हूं, तो मैं भी बैंक में काम करता हूं, तो मैंने एक चीज यहां पर नोटिस की है। क्या की है कि यहां पर देखिए तैयारी बहुत जरूरी है, आपकी जो तैयारी है वो प्रिपरेशन जो है वो बहुत जरूरी है, पर साथ में ये जो है आपका होना चाहिए स्मार्ट वे में, इसमें होना चाहिए स्मार्ट वे में। देखिए तैयारी सब करते हैं, मान लीजिए 100 बंदे हैं और 100 जने तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, पर उसमें से 70 ही ऐसे होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, और इसमें से भी 50 वो बंदे होंगे जो कम से कम ठीक ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। एक 70 तो ये है तैयारी चल रही है, 50 वो होंगे ठीक से तैयारी कर रहे हैं, पर 20 वो है इसमें से भी जो स्मार्ट वे में तैयारी करते हैं। किसमें करते हैं, स्मार्ट वे में। स्मार्ट वे की तैयारी करना होता क्या है कि आपको टॉपिक बाई टॉपिक चलना होता है, उस चीज की पकड़ करनी होती है। जैसा मैंने आपसे पहले बताया कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले आपको पता होना चाहिए उसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, उसका रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया क्या है, उसकी LGT क्या है, और आप उसको कैसे फॉर्म को सही सही देख सकते हैं, उसकी तैयारी कैसे करनी है, सही बुक कौन सी आपको उठानी है। हर बुक नहीं पढ़नी है आपको, पुरानी बुक नहीं अचीव करनी है आपको, आपको ध्यान देना है कि आपको कैसे आगे आगे तैयारी इसकी करनी है। तो यही चीजें की बात मैं आपसे कह रहा हूं। देखिए जो करंट अफेयर्स है इसमें आपके 5 to 6 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं, ठीक है ना। साइंस का क्वेश्चन का स्कोप भी आपका ज्यादा होता है, तो मैं 5 to 6 ही इसको लेके चलता हूँ। इसके अलावा जो है आपके भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, ज्योग्राफी से हो गए, कल्चर से हो गए, हिस्ट्री से हो गए, स्पोर्ट्स से हो गए, ये जो क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप अचीव कर सकते हैं कम से कम 15 क्वेश्चन तो आपके ऐसे हैं जो आप आराम से इजिली अचीव कर सकते हैं। अब देखिए अलग अलग बुक पढ़ सकते हैं आप, अलग अलग एप्स हैं आजकल, तो मोबाइल ऐप क्योंकि एंड्रॉइड आजकल सभी के पास है, यूट्यूब व्हाट्सएप सब चलाते हैं, बहुत से ग्रुप हैं ऐसे जो पढ़ाई के लिए बने हुए हैं, चाहे यूट्यूब पर चैनल है जो डेली करंट अफेयर्स भी आपका जो है कंप्लीट करते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा करंट अफेयर्स पर तो आप अपनी पकड़ बना के रखिए, साथ में जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए वो ग्रुप ऐसा नहीं है कि मैं उसमें कुछ ऐसे डालता हूं या आप आपस में बात कर सकते हैं, वो एक चैनल है। उसमें क्या होता है कि मैं मुझे जो भी बुक मिलती है पीडीएफ में और मुझे सही लगती है मैं उसमें शेयर उसका लिंक कर देता हूं, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर अभी भी आपके पास कम से कम 10 से 15 बुक के उससे भी ज्यादा बुक्स के जो है पीडीएफ अवेलेबल है, तो आप वहां पर जाकर उनको ले सकते हैं। उसके बाद जो टॉपिक है इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपके मैथमेटिक्स का। अब देखिए फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है या अगर आपकी अच्छी है तो आप नंबर गेन कर सकते हैं, नहीं अच्छी है तो नहीं कर पाएंगे। पर ये नहीं अच्छी है तो आप इसको अच्छा कर सकते हैं। यहां पर अगर मैं देखूं, देखिए यहां से अगर आप बात करें परसेंटेज से टाइम एंड वर्क तक, ठीक है फ्रेंड्स, कहां तक टाइम एंड वर्क तक की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां तक अगर आप देखें तो ये आपका अर्थमेटिक का ऐसा पार्ट है क्योंकि फर्स्ट मैथ है आपकी ये, कि ये अच्छी होती ही है। मेंसुरेशन वो पार्ट है जिसमें आपको फॉर्मूला बेस होता है। यदि आपके फॉर्मूला तैयार है, फॉर्मूला याद है, तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर आप, मैं आपसे कहूंगा देखिए परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन मैंने साथ में इसलिए रखा है कि अगर ये दो टॉपिक भी आपने कंप्लीट कर लिए तो आप क्या है इनके ये जो सारे चैप्टर है ना इनका कम से कम 50% भाग है, उससे भी ज्यादा भाग जो है कवर आप कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो चार पार्ट हैं ये बच्चों को क्या है नए लगते हैं क्योंकि ये कम भाग में पूछे जाते हैं। एसएससी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये आते होंगे, नहीं आते हैं तो वीडियोस बहुत से अवेलेबल हैं आपके यूट्यूब पर इंसुलेटेड, तो आप वो पढ़ सकते हैं। या बेसिक नॉलेज अगर आपको चाहिए तो आप जो किताब एक छोटी सी खरीद सकते हैं, उस किताब के बारे में हम आगे बात इसके बारे में करेंगे। अब फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जो है आपका इंग्लिश का। देखिए इंग्लिश की बात करें या मैं आपको नीचे दिख रहा होगा हिंदी का, तो हिंदी की बात करें तो सेम ही टॉपिक है, सेम ही बात है। देखिए स्पॉट द एरर, एरर छांटना, फिल इन द ब्लैंक्स करना, सिनोनिम्स एंटोनिम्स समानार्थक, विलोम शब्द ढूंढना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना, एक्टिव पैसिव वॉइस करना, शफलिंग करना, क्लोज पैसेज, कंप्रेंशन पैसेज। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आपकी इंग्लिश में क्या है, देखिए दो तीन चीजें मैं आपको यहां बता देता हूं कि देखिए एक दो जो इंग्लिश है वो आपकी डिपेंड करती है, एक तो आपके ग्रामर पर, ठीक है ना, एक आपकी करती है वोकैब पर, ठीक है, मतलब वर्ड पार जिसको आप कहते हैं। ये चीजें जो दोनों चीजें हैं ये आपके इंग्लिश पर डिपेंड करती हैं। आपकी चीज मान लीजिए ग्रामर अच्छी है, वोकैब सही नहीं है, तो आपका सिलेक्शन होना भारी हो जाता है। यदि आपकी ग्रामर ठीक नहीं है, वोकैब सही है मान लीजिए, तो भी आपको सिलेक्शन का वही 50-50 चांस होता है। तो मैं आपसे कहूंगा देखिए वोकैब ऐसी चीज है, अगर आप डेली की 5 से 10 वोकैब अगर याद करते हैं, अगर वो चाहे वो आपको आती है चाहे नहीं आती है, तो वो आपके लिए बेनिफिट होता है। देखिए थोड़ा लंबा प्रोसेस लगता है आपको, पर ये प्रोसेस जो है स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है, बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। ग्रामर की अगर बात करें तो देखिए ग्रामर के लिए अगर मैं आपसे कहूं तो देखिए लूसेंट की बुक ही आप खरीद लीजिए, क्योंकि लूसेंट की बुक में क्या है आपको बेसिक चीजें मिल जाएंगी। आपको पूरी सब्जी थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको मेन चीजें पढ़नी है जो कि आपको यूट्यूब वीडियो पर मिल जाती है। यूट्यूब पर बहुत सी चीजें अवेलेबल है जो आपको मिल जाएंगी कॉमेडी वीडियो के अलावा। अगर आप कॉमेडी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप देखिए, मना नहीं है, पर मैं आपसे कहूंगा कि देखिए कॉमेडी वीडियो देखने के साथ साथ पढ़ाई की चीजें भी देखना स्टार्ट कीजिए और सही ढंग से उनको ध्यान से देखिए। आप नहीं देख पाते हैं उनको डाउनलोड कीजिए, बाद में देखिए, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। पर ये आपका जो टॉपिक है वो उसको मजबूत कीजिए। फॉर्मूले बेस कई चीजें होती है, एक्टिव पैसिव वॉइस आपका फॉर्मूला बेस होता है, जो आपका डायट एंड डाइट है ये फॉर्मूला बेस है आपका, क्लोज टाइप पैसेज जो है आपका इंग्लिश रीडिंग से आता है। जितनी आप रीडिंग सुनेंगे, जितनी आप रीडिंग करेंगे न्यूज़पेपर की, पैसेज की, आर्टिकल्स की, उतनी ही आपको बेनिफिट होगा क्लोज टेस्ट या कॉम्प्रेशन तैयार करने में, ठीक है फ्रेंड्स। सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्या है, देखिए हिंदी अर्थ अगर आपको पता है, मीनिंग पता है, तो आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स आराम से उसके निकाल सकते हैं, याद करने की इनको जरूरत नहीं है। एक जो होता हमारा मेथड होता है वो होता है रूट मेथड, रूट वर्ड जो आपने सुना होगा, उन रूट वर्ड से अगर आप इंग्लिश को तैयार करते हैं, मीनिंग्स को तैयार करते हैं, तो आपकी जो इंग्लिश है मैं आशा करता हूं बहुत अच्छी हो सकती है। आप इसमें कम से कम 15-20 क्वेश्चन तो इजिली सॉल्व कर पाएंगे यदि आप मेरे बताए हुए काम करेंगे और बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हिंदी के बारे में। तो यहां पर देखिए हिंदी में जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो आपके सेम जो इंग्लिश का जो पैटर्न है वो ही यहां पर आपके रहने वाले हैं, जिसमें आपके वही सिनोनिम्स एंटोनिम्स में विलोमार्थक शब्द जो हो गए, समानार्थी शब्द हो गए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया जिसको हम वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ऐसे ही कहावतें हो गई, लोकोक्तियां हो गई, संधि विच्छेद हो गए, तो ये टॉपिक आपके यहां पर आते हैं। आशा करता हूं आपकी जो हिंदी की जो नॉलेज होगी वो अच्छी होगी, क्योंकि ज्यादातर जो 70% बच्चे हैं वो हिंदी सब्जेक्ट वाले हैं, हिंदी भाषी हैं, तो उनके लिए बेटर पॉइंट यहां पर उनका होता है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो है इसके बुक्स की। तो यहां पर देखिए जो बुक्स है वो मैंने आपको यहां पर लिंक उसका अवेलेबल जो आपको हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो वहां पर आपको इसका लिंक
लिंक जो है अवेलेबल हो जाएगा। तो आप जितनी भी बुक मैंने यहाँ दे रखी है वो बुक का जो है लिंक आपको वहां मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां से खरीद सकते हैं, नहीं चाहे तो आप कहीं और से भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वहीं से लेनी है, पर मैं आपसे कहूंगा यदि आपके वहां अवेलेबल नहीं है लोकल मार्केट में तो आप इस डायरेक्ट लिंक से आप खरीद सकते हैं अमेजन की वेबसाइट से, तो आपको आराम से बुक अवेलेबल हो जाएंगी। तो फ्रेंड यहां पर हमने पहली जो बुक है ये आपके इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए, जहां पर आपके लिए 15 प्रैक्टिस सेट जो है अवेलेबल है। अभी 15 प्रैक्टिस सेट से फायदा क्या है आपको, देखिए बुक आपके पास होगी, कोई ना कोई बुक होगी जिसमें मैथ आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, उसके साथ रीजनिंग आप कर रहे होंगे, जीके भी आप कर रहे होंगे, ठीक है ना, उसके साथ इंग्लिश या हिंदी भी आप उसके साथ साथ कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो उसके बारे में हम बात करेंगे, पर यहां पर अगर आपके पास ये सब चीजें हैं और आप चाहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस आप देख सकें और एक बार कैसे उसको रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट आप करें, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट जरूरी है। तो देखिए यहां पर आपके सामने एक इंग्लिश में है और एक अवेलेबल है आपकी हिंदी में। मैंने यहां पर ये प्रोवाइड कराई है आपको अरिहंत की, ठीक है ना, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक जो है वो आपकी बेटर मानी जाती है इसके लिए। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप पढ़ें तो अरिहंत पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को जरूर एक बार लगाएं, ज्यादा महंगी किताब ये आती नहीं है, सस्ती किताब है, तो आप यहाँ पर आराम से परचेज कर सकते हैं। के बाद है आपके सेल्फ स्टडी गाइड। अब ये जो बुक है ये आपकी क्या है, इसमें आपका संपूर्ण कवरेज यहाँ पर दे रखा है, मतलब हर सेक्शन जो है आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा, हर सेक्शन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ पर उपलब्ध करा रखे हैं। तो आप इस बुक को भी परचेज अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ इसमें आपको प्रत्येक जो सब्जेक्ट है उसका डिटेल वाइज सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेंगे और उनसे रिलेटेड 10 या 15 क्वेश्चन हर चैप्टर के आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद है आपकी रीजनिंग, जो कि आपके वर्बल एंड नॉन वर्बल की आती है, जो कि दिशा पब्लिकेशन की बुक है। इसको बुक को हम अच्छी मानते हैं रीजनिंग पर्पस से, तो यहां पर आप इस बुक को अवेलेबल करा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें 3000 प्लस एमसीक्यू आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड 3000 एमसीक्यू देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या होती है, अगर आपने ये कर लिए तो आपको रीजनिंग आपके जीडी ही नहीं एसएससी सीजीएल तक के आपका जो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यदि आप पढ़ना चाहते हैं डिटेल वाइज और डिटेल में, तो यहां पर किरण प्रकाशन की बुक अवेलेबल है आपकी, जो कि आपके जीडी के लिए ही पर्सनली बनाई गई है। यहां पर आपको जो लास्ट ईयर के आपके पेपर हैं 2011 से 2015 तक के, ये भी आपको यहां पर मिल जाएंगे, उनका हल भी आपको यहां मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको और भी सामग्री जो है इस बुक में मिल जाएगी। तो ये जो वो बुक है जो बहुत ही इजिली अवेलेबल हो जाती है मार्केट में, और यदि नहीं होती है आपके आसपास तो आप इनको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है मैं आपको दोबारा बता रहा हूं वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं देखिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की। अब टेस्ट सीरीज आप किसी भी साइट का दे सकते हैं, बहुत सी वेबसाइट अवेलेबल है, अड्डा की भी अवेलेबल है, आपकी महिंद्रा की अवेलेबल है, वाईफाई स्टडीज की भी अवेलेबल है, सब चीजें आप यहां पढ़ सकते हैं। अगर देखिए एक जो टेस्ट बुक की अगर आपने नाम सुना हो, टेस्ट बुक के जो वेबसाइट है उस पे से अगर आप देना चाहते हैं तो वहां पर भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से जो टेस्ट बुक की जो वेबसाइट है वो सबसे सस्ती और बढ़िया वेबसाइट है, क्योंकि यहां पर आपको सस्ते दामों में ज्यादा से ज्यादा जो है आपको पेपर यहां पर मिल जाते हैं। बाकी आपकी इच्छा है आप वाईफाई के थ्रू दीजिए इसको, या फिर आप इसको अड्डा के थ्रू दीजिए, या फिर आप महिंद्रा के थ्रू दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंडेड है। पर क्योंकि ऑनलाइन पेपर है आपका तो ऑनलाइन टेस्ट तो आपको देने ही होंगे, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी ही होगी, ठीक है। ऑफलाइन भी आप जो मैंने आपको भी किताब बताया वो ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी आप खरीद सकते हैं, तो उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और ऑनलाइन टेस्ट भी दीजिए। ऑनलाइन टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट दे दिया आपके 30 नंबर आ रहे हैं तो आप दुखी हो जाएं 30 नंबर आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है एनालिसिस, आपको जो भी एग्जाम चाहे 2 एग्जाम दे, चाहे 1 दे, चाहे 5 दे, चाहे 10 दे, उनको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपने जो ऑनलाइन दे या ऑफलाइन दे किसी भी मोड में दे वो आपका वेस्टेज हो जाता है। तो मैं आपसे फिर कहूंगा कि एनालिसिस करना बहुत अनिवार्य है और बहुत जरूरी है। यदि आपको 100% सॉल्यूशन चाहिए, सक्सेस चाहिए इस एग्जाम में, और आपको अगले चाहते हैं जीडी की पोस्ट पर ज्वाइनिंग करना, तो आपको एनालिसिस करना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स ये मैंने आपको इसका जो लिंक है टेस्ट बुक का वो भी आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप सीधे इसको जो है यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं और इसका पास जो है खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने बात की आपके एसएससी जीडी के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स, एसएससी जीडी की आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, डिटेल सिलेबस के बारे में और उसकी बुक्स के बारे में, और आपके ऑनलाइन मॉक टेस्ट के बारे में हमने यहाँ डिटेल वाइज बात की। नेक्स्ट वीडियो हम इसमें कभी बनाएंगे जिसमें हम कट ऑफ की बात भी करेंगे कि पहले की कट ऑफ क्या रही है और इस बार जो है कट ऑफ आपकी क्या जा सकती है। जो ये हम तब बताएंगे जब इसकी लास्ट डेट आपके फॉर्म की निकल जाएगी, और जब ये फॉर्म निकल जाएंगे और कंप्लीट हमें पता चल जाएगा कि कितने फॉर्म जो है आपके यहाँ फिलअप हुए हैं और लास्ट जितने फॉर्म फिलअप हुए थे, तो उसकी डिटेल वाइज हम जब इसको
कंपैरिजन करेंगे तब हम इसकी कट ऑफ आराम से इसकी एक बार लगा सकते हैं कि कितनी कट ऑफ जाने की उम्मीद इस बार हो सकती है। वो सही नहीं हो सकता मान सकते हैं हम उसको, पर अब एक प्रेडिक्शन तो लगा ही सकते हैं कितने तो आपको कम से कम अटेम्प्ट करने ही होंगे जिसमें सेफ मोड आपका यहाँ पर रहेगा। तो मैं तब तक जो है ये डिटेल आपको आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल जो है यूट्यूब पर A24 नॉलेज। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी इसको कर दीजिए जिससे सभी के पास हमारे चैनल की जो नोटिफिकेशन जा सके। एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।